हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आलू गोभी की रेसिपी बनाना सीखेंगे। आलू गोभी में बहुत सारी रेसिपी बनता है, उनमें से एक ये रेसिपी है। चलिए हम प्रोसेस देख लेते हैं। मैंने चार बड़े आलू को ऐसे कट करके ले लिया है। प्रेशर कुकर में देने के बाद एक गिलास पानी दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक दिया है, और ये 3 सीटी आने तक सीटी लगा के हम पका लेंगे। अभी चलेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। एक बड़ा सा मैंने फ्लावर लिया है। फ्लावर के डंठल कट करने के बाद ऐसे बड़े पीस में फ्लावर्स को हम कट करके ले लेंगे, जितना हमें चाहिए। तो फ्लावर कट होने के बाद हम छोटा छोटा टुकड़ा नहीं करेंगे, बड़ी साइज़ का ही कट करेंगे, नहीं तो ये बहुत मतलब छोटा छोटा हो जाएगा तो खाने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, ना कि देखने के लिए। हम ऐसे कट करेंगे छोटे साइज़ के पीस में। और कट करके मैंने एक बाउल में ना पानी लिया है, उसमें 1.5 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक दे के मिक्स कर दिया है, और उसमें ये गोभी को डाल देंगे। उसमें डालने से क्या होगा, अगर गोभी में जो कीड़ा रहता है वो मर जाएगा, इसीलिए हम अच्छे पानी से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने गोभी हमारा कट हो गया है, हम सारा इसमें दे देंगे पानी में। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। पहले से लाइक शेयर सब्सक्राइब किए तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मुझे साथ देते रहिए, आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स का। सुबह उठ के घर के सारे काम ख़त्म करके ऐसे वीडियो शूट करना पड़ता है। और आप लोगों के जैसे रेकमेंड रहता है, ये रेसिपी चाहिए वो रेसिपी चाहिए, उस हिसाब से मैं पूरा रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ। ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहिए। अभी चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमारे एक कढ़ाई लिए है, कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा ज़्यादा तेल दे देंगे। और ये जो गोभी है, गोभी को पहले से पानी से निकाल के एक और प्लेट में ले लेंगे। नहीं लेंगे तो ये जो तेल गर्म होने के बाद ये पानी की वजह से छींटा मुंह पे आएगा, तो आराम से कीजिए। धीरे धीरे दे देंगे, देखिए छींटा भी आ रहा है। और ये सारे हम गोभी दे देंगे और फ्राई करेंगे। इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट डीप फ्राई मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा ऑयल शरीर के लिए अच्छा भी नहीं होता, इसलिए ऐसे फ्राई करने से चलता है, तो मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के टाइम पे हम हल्का नमक दे देंगे, नहीं नमक देंगे तो फिर इसमें मिक्स नहीं होगा, फिर जब हम ग्रेवी बनाएंगे उसमें कहीं नमक लगेगा कहीं नहीं लगेगा, तो ये टाइम पे नमक देना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट ऐसे हम फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम में, हाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा बट जलने का चांसेस है। तो ये फ्राई करके हम सारा निकाल देंगे साइड में निकाल। ये हमारा 70% पक चुका है, फिर हम उसी कढ़ाई को दे देंगे। धोया नहीं मैंने कि कढ़ाई बदला भी नहीं है, वही कढ़ाई में तेल दिए है। और थोड़ा सा मैंने सरसों थोड़ा सा जीरा दिया है, आपको अगर पसंद है तो सरसों स्किप कर सकते हो। फिर मैंने तो उसमें कड़ी पत्ता दिया है, 2 तेज़पत्ता दिया है, और मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च को काट के ले लिया है, अदरक लहसुन को भी कूट के ले लिया है। अभी प्याज एंड हरी मिर्च को कढ़ाई में दे देंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम ये ब्राउनी कलर आने तक हम इसको मिक्स करेंगे। ऐसे देखो धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म हो गया था, इस वजह से इतना धुआं निकल रहा है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये 2 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट ऐसे मिक्स करेंगे। मैंने बारीकी कट करके ले लिया था। मिक्स होने के बाद हम जो अदरक लहसुन कूट के रखे थे वो भी दे दी। कुछ लोग ऐसे हैं कि तेल में पहले जो अदरक लहसुन का पेस्ट या ऐसे कूटा हुआ दे देते कि स्मेल जाएगा बोल रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम पर भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अदरक लहसुन मिक्स हो जाने के बाद हमने जो बारीक चॉप करके रखे थे टमाटर उसे भी दे देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे और ये तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये प्याज या टमाटर से तेल साइड नहीं हो जाता, तेल नहीं छोड़ देता है ना, तब तक ऐसे हम मिक्स करते रहेंगे। और ये भी लो मीडियम फ्लेम में करेंगे। हम इसमें दे देंगे अभी मसाला। मसाला में हमारा रेगुलर मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, हमारा सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, यही सब हमारा सारा मसाला ही रहता है। कोई कोई लोग कांदा लहसुन का पेस्ट भी देते हैं, आप लोग पसंद तो दो या तो मत दीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक दे देंगे। और नमक मैं एक ही साथ ले रही हूँ, मतलब गोभी आलू को जितना लगेगा ना मैंने उसके अकॉर्डिंग नमक दे दिया है। आपको अगर इसमें अंदाज़ा नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पे कम नमक दीजिए सिर्फ टमाटर प्याज को होने के लिए, बाकी आलू गोभी जब डाल देंगे फानी देने के बाद आप नमक दे सकते हो।
बट मैंने फिलहाल तो पहली बार में ही ले लिया है, मिक्स कर दिया है। लगभग 4 से 5 मिनट के बाद हमारा तेल छोड़ दिया है। तेल छोड़ने के बाद हमने जो गोभी को फ्राई करके रखे थे वो गोभी दे देंगे इसमें। गोभी देने के बाद ये आलू को मैंने जो उबाल के रखा था उसका ऊपर का जो छिलका है वो निकाल के ले लिया है और थोड़ा सा ऐसे मैश करके दे रहे हो। आप कट करके भी दे सकते हैं। मुझे आलू मतलब ऐसा भी नहीं चाहिए बहुत बड़ा, ऐसा भी नहीं चाहिए पूरा छोटा, इसलिए हाथ से ही थोड़ा थोड़ा मैश करके मैंने दे दिया है। अभी मिक्स कर देंगे। जो मसाला था ये आलू और गोभी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और मैंने गैस को एकदम सिम में रखी हो, लो फ्लेम में रखी हो, मिक्स करेंगे क्योंकि क्वांटिटी भी हमारा सब्जी की बहुत ज़्यादा है और मिक्स अच्छे से नहीं करेंगे तो ये मसाला मिक्स नहीं होगा बराबर। मिक्स करेंगे, मिक्स हो जाने के बाद हम पानी दे देंगे। पानी अपना अपने अकॉर्डिंग पानी देंगे, 1 ग्लास 1.5 ग्लास मैंने 1.5 ग्लास पानी दिया है और अभी मिक्स कर देंगे पानी के साथ भी। मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें कुक होने के लिए ना ढक के पकाएंगे, नहीं ढक के पकाएंगे। 70% पका था ना हमारी, तो बाकी तो 30% पकनी ही है। थोड़ा मुझे पानी कम लगा तो मैंने बाकी पानी भी दे दिया है, तो लगभग मेरी 2 ग्लास पानी, छोटे ग्लास में 2 ग्लास पानी दे दिया है। और अभी देखिए उबाल आ चुका है, 3 मिनट के बाद इसे अच्छे से उबाल आ चुका है हमारा। अभी चेक कर लेंगे वो हुआ कि नहीं है, मिक्स करेंगे। सब्जी हमें जितना पकना चाहिए था उतना पक चुका है, अभी और पकाने के लिए ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट होने के लिए देंगे। गैस ऑफ कर दिए है, फिर ढक दिए है। अभी चलेंगे हमने धनिया पत्ता कट करेंगे। धनिया पत्ता कट होने के बाद ढक्कन खोल के हम इसमें दे देंगे धनिया पत्ता। और मैंने ज़्यादा धनिया पत्ता नहीं यूज़ किया है। अगर आप लोगों के पास धनिया पत्ता नहीं है तो यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये टाइम पे हमारा गैस ऑफ है। अभी हम सॉफ किए हैं, देखिए बहुत खुशबू आ रही है। और ऐसे बनाएंगे ना, किसी को पसंद भी नहीं होगा तो भी उसे खाने के लिए बहुत पसंद लगेगा और बहुत टेस्टी बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू।